हाँ जी, अज असी हैं जी काली दा मंदिर जो कि वृंदावन में है। कहा जाता है कि इत्थे ही किसी टाइम जमुना नदी वगदी हुंदी सी, ते इस जमुना नदी में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का दमन किया। काली दा मंदिर वृंदावन का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो आओ दर्शन करते हाँ काली दा मंदिर वृंदावन के, तो जानते हाँ इस मंदिर का सारा इतिहास। मंदिर में एंट्री करते हुए सब तो पहला इत्थे लगे हुए बोर्ड से इस मंदिर के बारे सारी डिटेल दसी गई है। मंदिर इतिहास मुताबिक इस जगह पर ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का दमन किया सी। ये है जी वो दरखत जिस तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जमुना जी विच छलांग लगाई सी। कहा जाता है कि यह दरखत 5000 साल पुराना है, तो किसी टाइम पर जमुना नदी इस जगह तो ही वहिंदी हुंदी सी। यह भी कहा जाता है कि इस दरखत पर भगवान श्री गरुड़ जी ने अमृत कलश भी रखा सी, ते अमृत कलश विचों कुछ बूंदा इस दरखत पर डिगिया सन, जिस करके यह दरखत अज भी हरा भरा दिखाई देता है। ते इस मंदिर की सारी जानकारी लेने हैं श्री जयदेव जी को। हरे कृष्णा, यह वृक्ष जो आप देख रहे हैं यह वृक्ष कदम का वृक्ष है, और इसी वृक्ष पर कृष्ण जी चढ़े थे, और वृक्ष में यमुना जी के यहाँ पे छलांग लगाई थी। तो छलांग इसलिए लगाई थी कि कृष्ण जो है अपने सखाओं के साथ गेंद की लीला खेल रहे थे यहीं पर, और उनकी गेंद जो है यहाँ पे चली जाती है। सूरदास जी ने यह लीला वर्णन किया अपने सुसागर ग्रंथ में कि जब गेंद यमुना जी में चली जाती है तो सखा बोलते हैं कि हमारी गेंद वापस लाओ कृष्णा, तुमने यमुना जी में बहल कर दी। तो कृष्ण जहाँ आते हैं वृक्ष पे चढ़कर यमुना जी में छलांग लगाते हैं, और छलांग लगाने के बाद जब देखते हैं तो कालिया नाग कहता है मेरे यहाँ यमुना जी में कौन आ गया इस स्थान पर। तो कालिया नाग उस समय उनके जो 100 फन थे वो फंकार मारने लगा कालिया नाग, और कृष्ण जी ने उसके यमुना नदी के अंदर ही उनके साथ जो है फंकार से ही उनको युद्ध करके परास्त किया। और परास्त करने के बाद जैसे आपने अभी फोटो में वहाँ पर जो चित्र बना है वो चित्र में देखा होगा कि कृष्ण जी उस कालिया नाग के हर एक फन पे खड़े होकर उन्होंने नृत्य किया, और ये कृष्ण जी ने दिखाया कि कृष्ण का नाम है नटवर, काली अनाक के ऊपर उन्होंने खड़े होकर नृत्य किया। तो यह लीला स्थली इसी स्थान पर हुई। और दूसरा, महाभारत में कथा वर्णन आती है कि सत्ययुग में गरुड़ जी ने इसी स्थान पर अमृत कलश रखा था जिसका आपने दर्शन किया अभी, और फिर कुछ बूंदें यहाँ पर गिरी थी। जब अमृत कलश लाए थे उनकी कुछ बूंदें 3 स्थान पर गिरी थी, एक स्थान नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार, जहाँ पर अभी भी कुंभ मेला मनाया जाता है, वो इसी स्थान इसी कारण से मनाया जाता है क्योंकि अमृत की बूंदें गिरी थी, और इस कलश इस जगह पे रखा गया था, इसलिए यह वृक्ष जो है अमर है। और वृक्ष अमर होने के कारण जब काली नाग के जहर से सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन यह वृक्ष ही बचा रहा था जो आप ये वृक्ष देख सकते हैं। तो बाकी की लीला अगर आपको किसी को जाननी है तो श्रीमद् भागवतम और महाभारत में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर तुसी भी वृंदावन आते हो तो इस इतिहासक मंदिर के दर्शन करना ना भूलो। हाँ जी, यह जी मेरी काली दा मंदिर वृंदावन की वीडियो। तुहानू वीडियो किस तरह लगी प्लीज़ मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दसना, तो अगर तुम मेरे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सबसक्राइब करना, तो मेरी वीडियो लाइक करना ना भूलना। तो चलो मिलते हैं जल्दी एक नवी वीडियो में, तद तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया।